नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जोस वेस्किन की पुस्तक दी आर्ट ऑफ लर्निंग। दी आर्ट ऑफ लर्निंग हमारे मेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने का सबसे बेहतर किताब है। यह हमारे परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएं इससे संबंधित विभिन्न आयामों को बताया गया है। इसमें हमारे इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट के विभिन्न तरीकों को डिस्क्राइब किया गया है। खास बात है कि यदि आप यह पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है और उन गलतियों से क्या आप सीख प्राप्त करते हैं, इसके संबंध में आपको ज्ञान की अनुभूति होती है। यह किताब हमें बताता है कि हमें अपने हारने से विचलित नहीं होना है, हम अपने हार से निराश नहीं होना है, हम अपने हार से निराश होकर बैठना नहीं है हमें, बल्कि हमें अपने हार से सीखना है। हमें देखना है कि वह क्या कारण थे जिसके कारण हम हार गए। इस पुस्तक में उन तमाम पहलुओं को रेखांकित किया गया है जिससे हम अपने लेवल को, अपने परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीमेंट कर सकें। हमारे जो मेंटल स्तर है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को कैसे लगातार इंक्रीज कर सकते हैं, इन सभी तमाम पहलुओं की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। इसमें बताया गया है कि यदि हम हारते हैं तो हमें उससे सीखना है कि हम क्यों हारे और उस पर स्टडी करना है और उस स्तर को सुधारना है। इस पुस्तक में हमें बताया गया है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने से बेहतर लोगों को देखना है और उनसे बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करना है। इसी के साथ बताया गया है कि इस दौरान हम प्रॉपर रेस्ट भी करेंगे ताकि हम अपने मेंटल एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से निश्चित रूप से हम सभी को एक ज्ञान की अनुभूति होती है कि हम अपने हार से निराश होकर बैठेंगे नहीं, बल्कि अपने हार से सीखेंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए कदम बढ़ाएंगे। तो साथियों, यह किताब आप अवश्य पढ़िएगा। यह किताब हमें प्रेरणा देता है कि हमें हार के बैठना नहीं है, बल्कि हार से सीखना है और उसको कैसे आगे हमको बढ़ना है, ये सभी तमाम पहलुओं की चर्चा की जाती है। इसी संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।